पंजाब दी सियासत विच बयानबाजी दा म्यार ते गिरावट किन्नी डिगदी जा रही है, एक दूजे दे उत्ते निजी तौर ते भी टिप्पणियां होणियां शुरू हो गईयां ने। इह चंगी गल है कि सत्ता धिर नूं विरोधी धिर आलोचना करे और सत्ता धिर दा वी इह फर्ज बणदा है कि विरोधी धिर दे चुके गए कल्ले कल्ले सवाल दा नीतियां दे आधार दे उत्ते फैक्ट दे आधार दे उत्ते जवाब दित्ता जावे। पर आपसी किड़ा कढ़ण दे लई जिहड़ी बयानबाजी हो रही है वह एक वक्रे तरह का इशारा कर रही है कि पंजाब की सियासत विच भी कौमी सियासत दे वांगू गिरावट किन्नी आ गई है। हुण सीएम भगवंत मान ने बाकी सारे इकट्ठे होए विरोधी सियासियों के उत्ते बड़े तिखे शब्दों से वार किया, तो इसे का जवाब हुण बिक्रम सिंह मजीठिया ने सब तो पहला दिता है। श्रोमणी अकाली दल के आगू तो सबका मंत्री बिक्रम मजीठिया जो बोले ने वो ट्वीट कर दे जरिए बोले ने और वो सारा ट्वीट भी तुहाडे नाल सांझा कर दिंदे आ। स्क्रीन दे उत्ते भी तुसी ट्वीट देख रहे हो, उस दे विच उन्होंने निजी तौर दे उत्ते भी कुछ गल्लां लिख दित्तियां ने और सीएम भगवंत मान दियां कुछ आदतां ने जो निजी तौर दे उत्ते उन्हां नूं लैके भी तंज कस दित्ता है। नाल ही उन्होंने लिख दित्ती है गल कि शहीदां दियां यादगारां ते सियासत नूं चमकाउण वाले दरबार साहब दे हमले लई जिम्मेवार परिवार नूं जफ़ियां पाउण वाले गुरु घरां ते इक धारा 144 लाउण वाले। तो इस तरह उन्होंने अगे लिखा कि किमें शराब की हालत में जहाज चो कढ़े जाने वाले माँ की झूठी सहु खाने वाले अपने बच्चों ना अपना वाले सिख नौजवानों ते NSA लाने वाले सुरक्षा वापस लैके सिद्धू मूसेवाले मरवाउण वाले लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू करवाउण वाले गोल्डी ब्रॉड ते BMW का झूठ फैलाउण वाले शहीद भगत सिंह की थां अपनियां तस्वीरां लगवाउण वाले SYL राहीं हरियाणा नूं पाणी दीआं गरंटियां दिवाउण वाले पंजाब नूं दिल्ली दे रिमोट ते चलाउण वाले पंजाब सिर 45,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाउण वाले जेलां च बैठियां नूं चेयरमैन लाउण वाले कटारू चक की सोच नूं चमकाउण वाले बच्चियां दीआं झूठियां सौहां खाण वाले। अखीरली लाइन विच वी उन्होंने तिखे वार कीते ने, लिख दिता है कि किस ढंग दे नाल उह किहड़ी हालत दे विच ट्वीट करके संडे मनाउण वाले ने। इह हुण पहला जवाब आया विरोधी धिर दे विचों बिक्रम सिंह मजीठिया दा। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सियासत पूरी तरह सरगर्म हो चुकी है, एक दूजे ते बयानबाजी हो रही है, नीतियां दे उत्ते एक दूजे नूं घेरिया जाना चाहिए। सत्ता धिर जे काम नहीं करती बेशक सवाल चुके जाने चाहिए ने, पर उन्होंने कुछ उन्हां दीआं निजी आदतां दे उत्ते भी सवाल चुक दित्ते ने और इह अजिहियां कीतियां जा रहियां टिप्पणियां दे बारे तुहाडी की राय है, तुसीं की सोचदे हो, अपनी अपने सुझाव ने इन्हां सियासतदानां नूं भी भेज सकते हो। और दूसरे पासे रही गल किसी मुद्दे दे उत्ते, क्योंकि विरोधी धिरां दा कहना सी कि प्रेस की आज़ादी है जिहड़ी खत्म हो रही है, प्रेस का गला घुटया जा रहा है, जिस करके एक वड्डे अदारे दे हक विच खड़दियां होइयां अजीत समाचार दे मुख संपादक ते मालक दे हक विच खड़दियां होइयां विरोधी सियासी पार्टी इकट्ठे हो गए, जफ़ियां पै गईयां। पर इस गल दे उत्ते सत्ता धिर नूं आम आदमी पार्टी नूं जिथे सिरदर्दी तां सुभाविक है वधनी सी कि विरोधी सारे इकट्ठे हो गए आ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी फिर तिखे शब्द उन्हां सारिआं लई वरते और उन्होंने भी शेरो शायरी करदिआं होइआं एक ट्वीट किया, उसकी जिहड़ी गल है जो ट्वीट मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया सी वह भी दुबारा सुना दिंदे आ तुहानूं पढ़ के कि जदों जनरल डायरां नूं रोटियां खवाउण वाले धार्मिक स्थानां ते टैंक चढ़ाउण वाले गुरु साहिब जी दीआं बेअदबियां कराउण वाले देश नूं धर्म दे नाम ते लड़ाउण वाले किसान विरोधी कानून बनाउण वाले ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਲੀ ਠੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।